हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसको हम लोग जर्नल एंट्री पास करके देखते हैं कि ये जर्नल एंट्री हम लोग टैली ERP 9 में कैसे करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को हम चेंज करेंगे दोस्तों। नॉर्मली हम पेमेंट और रिसिप्ट में जर्नल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें अलग अलग चीज़ दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन के टाइप्स भी अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, कैश पेड टू राज बाई चेक, राज को हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं लेकिन बाई चेक के थ्रू कर रहे हैं 1000 रुपया। यहाँ पे क्वेश्चन है कैश पेड टू अनिल 1000, ये डायरेक्टली मैंने कैश अनिल को पेड कर दिया 1000 रुपया। दोनों में पेमेंट करने का तरीका अलग अलग है। ये मैंने पेड किया लेकिन बाई चेक दिया, इसमें मैंने कैश नहीं दिया, और ये डायरेक्टली मैंने कैश दिया, यहाँ पे मैंने चेक नहीं दिया। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, रेंट पेड 5000, मैंने यहाँ पे रेंट पेड किया 5000 रुपया बाई कैश में। और एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सैलरी पेड बाई चेक 5000, मैंने यहाँ भी सैलरी पेमेंट किया 2000 रुपया, लेकिन ये बाई चेक के थ्रू किया। यहाँ पे क्वेश्चन और है, इंटरेस्ट रिसिप्ट बाई चेक का 1000, 1000 रुपया मैंने इंटरेस्ट रिसिप्ट किया, इंटरेस्ट का पैसा, लेकिन ये भी मैंने चेक के रूप में रिसिप्ट किया। तो ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा दोस्तों, इसमें बड़ी बहुत ही डिफिकल्टी सब कुछ है क्योंकि कहीं कैश है, कहीं चेक है, कहीं कैश है, कहीं चेक पेड करना है, कहीं कैश करना है, कहीं रिसिप्ट भी कैश करना है, कहीं चेक करना है, तो ये सारे चीज़ हम कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही बेटर सॉल्यूशन है वाउचर टाइप, हमें टैली में वाउचर टाइप का इस्तेमाल करना होगा और ये क्वेश्चन हम आसानी से अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि टैली यहाँ से ऑन करते हैं और स्किप करके एक हम कंपनी बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और एक कंपनी बनाते हैं ABC नाम से। ये कंपनी इंडिया और दिल्ली का है, इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब भी आपकी ट्रांजेक्शन्स पेमेंट की होती है या फिर रिसिप्ट की होती है, तो यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन्स दो तरह से होते हैं, एक चेक में होते हैं और एक आपके डायरेक्टली कैश में होते हैं। तो ये जो दो ट्रांजेक्शन है, ये रिसिप्ट भी हो सकता है और पेमेंट भी हो सकता है। तो जब भी रिसिप्ट होता है तो इसके लिए आपको दोनों को अलग अलग एंट्री करना है, मतलब चेक का एंट्री अलग करना है, कैश की एंट्री अलग करनी है। तो ये एंट्री हम लोग टैली में कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए मुझे बिना वाउचर टाइप बनाए हुए ये एंट्री संभव नहीं है। तो आइए, हम टैली को ऑन कर लिया है, मेरे पास ABC नाम से एक एग्जांपल्स के लिए कंपनी भी है और इसमें हम वाउचर टाइप बना करके सारे क्वेश्चंस को अलग अलग हम एंट्री करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम ये एंट्री कर पाएंगे। दोस्तों वाउचर बनाने के लिए हमें सबसे पहले टैली खोलने के बाद गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंट्स इन्फो पर क्लिक करना है। अकाउंट्स इन्फो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक लेज़र का ऑप्शन दिखाई यहाँ से एक आपका वाउचर टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा। इस वाउचर पर जाएंगे, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद एक क्रिएट आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर इंटर करेंगे और एक वाउचर हम बनाएंगे बैंक पेमेंट का, PAYMENT। दोस्तों ये बैंक पेमेंट सेलेक्ट ऑफ लेजर वाउचर में जाएगा, वो पेमेंट में जाएगा। तो यहाँ से हम पेमेंट सेलेक्ट करते हुए और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब दोस्तों एक और आपको बनाना पड़ेगा वाउचर बैंक रिसिप्ट का, ये दोस्तों आपका रिसिप्ट में जाएगा, यहाँ से हम रिसिप्ट को सेलेक्ट करेंगे, रिसिप्ट और इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये मेरी दो वाउचर ऑलरेडी बन गई। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, इससे पहले कि हम वाउचर एक बार खोल करके आपको दिखा दें, यहाँ से अगर हम वाउचर में जाते हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए और इंटर प्रेस करेंगे, और जैसे ही हम पेमेंट के लिए F5 प्रेस करेंगे, तो आपके पास दो वाउचर यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे कि अगर आपको कैश का पेमेंट करना है तो आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए डायरेक्टली पेमेंट को, अगर आपको चेक का पेमेंट करना है तो एक बैंक पेमेंट को आप सेलेक्ट कीजिए। तो इस तरह से आप वाउचर में आसानी से वर्क कर सकते हैं। अगर दोस्तों यही बात मैं रिसिप्ट के लिए बोलूं, तो F6 अगर हम रिसिप्ट प्रेस करते हैं तो रिसिप्ट करने के बाद भी मेरे पास दो वाउचर ऑलरेडी खुल करके आएंगे। अगर आप चेक के द्वारा रिसिप्ट कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन यूज़ कीजिए, अगर आप कैश के द्वारा पैसा रिसिप्ट कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन यूज़ कीजिए। अब आइए हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे कि कैसे बनाते हैं। इसके लिए वाउचर में जाकर इंटर प्रेस करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, मेरी पेमेंट खुल जाएगी। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, कैश पेड टू राज बाई चेक, चेक के द्वारा राज को हम पेमेंट कर रहे हैं 1000 रुपया। इसका अगर हम जर्नल एंट्री पास करें तो आपका क्रेडिट में कैश हो जाएगा और डेबिट में क्रेडिट में बैंक हो जाएगा और डेबिट में राज हो जाएगा, क्योंकि राज को पैसा पेड किया जा रहा है। तो हम यहाँ से टैली को ऑन करते हैं और बैंक पेमेंट को सेलेक्ट करते हैं बिकॉज हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पहले आपसे डेबिट पूछा जाएगा, तो अल्ट और सी बटन प्रेस करते हुए मुझे एक राज का लेजर बनाना होगा, जो कि जाएगा राज का लेजर संडी क्रेडिटर में, क्योंकि हम इसे पेमेंट कर रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति को हम पेमेंट करते हैं तो उसका लेजर संडी क्रेडिटर में जाता है, तो यहाँ से हम राज को संडी क्रेडिटर में डालते हुए बिल बाई बिल ऑप्शन को नो करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपका
जनरल बन गया मतलब लेज़र बन गया। अब अमाउंट डालेंगे कितना पैसा, 1000 रुपया, तो 1000 डाल लेते हैं। अब ये पैसा राज को पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन ये चेक के थ्रू किया जा रहा है। यहाँ पे हम कैश नहीं डाल सकते हैं क्योंकि कैश हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम भाई चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ से बैंक पेमेंट भी खोल चुके हैं क्योंकि मुझे चेक पेमेंट करना है। तो अल्ट और सी बटन प्रेस करके एक लेज़र मुझे बनाना पड़ेगा बैंक का। अगर दोस्तों आपके पास बैंक का नाम पता हो तो बैंक का नाम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक का लेज़र दोस्तों हमेशा जाता है बैंक अकाउंट में, तो यहाँ से बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करते हुए और डिटेल्स अगर आप डालना चाहते हैं तो अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट IFC ब्रांच बैंक, ये लिख करके और आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा। अगर चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चेक नंबर वगैरह और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री आपका ऑलरेडी सक्सेसफुली हो जाता है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कैश पेड टू अनिल, अनिल को फिर हम पैसा पेड कर रहे हैं 1000 रुपया, लेकिन ये पैसा मैं कैश में पेड कर रहा हूँ। अब इसका जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, चलते हैं टैली में। बैंक पेमेंट में हम एंट्री नहीं कर सकते, तो फिर से मुझे पेमेंट पे क्लिक करना होगा, यहाँ से पेमेंट को सेलेक्ट करके इंटर करना होगा, मेरा पेमेंट खुल जाएगा। अब हम अल्ट सी करके अनिल का एक लेज़र बनाएंगे। अनिल का लेज़र दोस्तों जाएगा संडे, ये पेड कर रहे हैं अनिल को, तो संडे क्रेडिटर में इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से बिल बाय बिल ऑप्शन को नो करते हुए और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अमाउंट कितना है, 1000 रुपया फॉर एग्जांपल, और ये पेमेंट कैश हो रहा है तो कैश की लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, कैश की लेज़र ऑलरेडी आपके टैली में रहता है, तो आप कैश डालते हुए इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पेमेंट भी आपकी सक्सेसफुली हो जाती है। तो ये दोनों तरह से पेमेंट करना आपने सीख लिया। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, कि आपको अगर जर्नल एंट्री खोजनी होती है कि कितना चेक का पेमेंट है और कितना कैश का, तो आप आसानी से खोज पाते हैं। इसके लिए आप डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे, इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद डेबुक में जा करके जैसे इंटर करेंगे आपको तुरंत बैंक पेमेंट और पेमेंट दोनों की एंट्री अलग अलग दिखाई दे देगी। तो ये बैंक पेमेंट की एंट्री है जो आपको अलग दिखाई दे रही है, पेमेंट की एंट्री है अलग दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों दोनों पेमेंट में ही डाले हुए होते तो दोनों यहाँ पेमेंट लिखता, उस समय मुझे खोजने में बहुत तकलीफ होती कि चेक पेमेंट कौन है और कैश पेमेंट कौन है। मुझे बारी बारी से सबको इंटर करके खोल करके और चेक करना होता है कि इसमें कैश कौन है भाई और इसमें आपका चेक कौन है, तो ये काफ़ी दिक्कत होती थी। इसलिए मैंने एक नया वाउचर बना करके और आपको ये एंट्री करना बहुत ही आसान बना दिया। अब हमें रिसिप्ट में चलना है, इसके लिए फिर से वाउचर में चलते हैं, F6 प्रेस करते हैं, यहाँ से रिसिप्ट खुलेगा। मुझे चेक के थ्रू ही रिसिप्ट करना है, तो बैंक रिसिप्ट यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे पहले क्रेडिट पूछा जा रहा है और क्वेश्चन आप हमसे ये बोला जा रहा है कि आपका जो है इंटरेस्ट रिसिप्ट हो रहा है, राइट, इंटरेस्ट रिसिप्ट हो रहा है बाई चेक के थ्रू। तो चेक के थ्रू हम इंटरेस्ट रिसिप्ट कर रहे हैं, तो इसका एंट्री होगा DR में आपका बैंक हो जाएगा और CR में इंटरेस्ट रिसिप्ट हो जाएगा। तो पहले आपसे CR पूछ रहा है, तो अल्ट सी करके इंटरेस्ट रिसिप्ट का आप लेज़र बनाइए, INTEREST, इंटरेस्ट, RECEIPT। तो यहाँ मैंने इंटरेस्ट रिसिप्ट का एक लेज़र बनाया जो कि अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। ये पैसा आपके लिए आ रहा है लेकिन बाई चेक के थ्रू आ रहा है, तो इसका हम एंट्री कर लिए 2000 रुपया फॉर एग्जांपल, और यहाँ से मैंने बैंक को डाल लिया। अगर बैंक का नाम पता है तो नाम डाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली आप बैंक डाल सकते हैं। तो अगर बैंक डालना हो तो बैंक का लेज़र बना लीजिए, या कोई दूसरा बैंक हो तो RC करके हम बैंक का लेज़र बना लेते हैं, क्योंकि ये बैंक BANK, ये कोई भी बैंक हो सकता है, जैसे PNB बैंक है तो PNB डाल लिए। बैंक अंडर जाता है बैंक अकाउंट में, चाहे कोई भी हो, और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों इंटर करेंगे, अगर चेक का डिटेल्स देना होता है तो यहाँ पर डिटेल्स देंगे, और नरेशन में लिखना है तो नरेशन में डिटेल्स करेंगे, और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपको एक सैलरी पेड करना है क्वेश्चन में और बाई चेक के थ्रू, तो इसके लिए मुझे फिर से पेमेंट खोलना है, यहाँ से बैंक पेमेंट खोलना है, इंटर करना है। DR में अल्ट सी करके मुझे सैलरी का लेज़र बनाना पड़ेगा, तो हम एक सैलरी का लेज़र बनाते हैं जो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसे हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे जितना हम सैलरी पेड कर रहे हैं, और इंटर करने के बाद ये पेमेंट अगर चेक के थ्रू हो रहा है तो जो भी बैंक का चेक है उस बैंक को डालेंगे, और इंटर करने के बाद चेक का डिटेल्स हम यहाँ पे देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर दोस्तों सारे क्वेश्चंस को देखने होते हैं तो हमें यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में जाने हैं, इंटर करना है, उसके बाद डेबुक में जा करके इंटर करना है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिस्ट में आपको दिखाई दे देंगे, कितने आपने चेक के थ्रू पेमेंट किए और कितने आपने कैश के थ्रू पेमेंट किए। तो ये दोस्तों काफ़ी आसान हो जाता है आपको चेक करना कि पेमेंट और रिसिप्ट की जो ट्रांजेक्शन हुई कितना कैश हुई और कितना चेक हुई। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।